अरे मत नहीं, ओसिड 20 कैप्सूल के बारे में। यह जाइडस कैडिला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। मेनली इसके अंदर ड्रग कौन सी थी? ओमेप्राजोल 20 mg। इसकी मार्केट के अंदर प्राइस 55 रुपीज़ है। ये 20 कैप्सूल आते हैं एक स्ट्रिप के अंदर। और इसके बारे में जानेंगे, मेनली ये काम किस में आता है? रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड, पेट के अंदर एसिड की अमाउंट को कम करता है और पेट के अंदर एक्सेस एसिड सिक्रीशन होता है उससे रिलेटेड बीमारी को ठीक करने में काम आता है। एसिड रिफ्लक्स डिजीज गैस में काम आता है। एसिडिटी, ब्लॉटिंग, जिदोरा होना, खट्टी डकारे आना, हार्ट बर्न, जलन रहना, पेप्टिक अल्सर, छाले फोड़े को ठीक करने में काम आता है। इनडाइजेशन, खाना नहीं पचाना उसको ठीक करने में हेल्प करता है। गैस्ट्रिक इरिटेशन को कम करता है। नौसिया, जी मचलने जैसी बीमारी को ठीक करने में काम आता है। मेनली हाउ इट इज़ वर्क, काम कैसे करता है? मेनली इसके अंदर ओमेप्राजोल होता है ना, एक तरह का प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, PPI। ये क्या करता है? रिड्यूस ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड, एसिड की अमाउंट को कम करता है स्टमक के अंदर, जिससे रिलीफ मिल जाता है, जिससे प्रॉब्लम इनडाइजेशन और हार्ट बर्न से आराम मिल जाता है। मेनली इसकी डोज क्या होती है? एक कैप्सूल सुबह खाना खाने से पहले, इसको 3 से 5 दिन, हफ्ते भर, महीने भर तक लें, फिर भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसको लें। और इसके साइड इफेक्ट के बारे में जानेंगे, डायरिया दस्त लग सकती है, हेडेक, सर दर्द होना, स्टमक पेन, वॉमिटिंग, उल्टी होना, कुछ भी साइड इफेक्ट लगे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर ही इस कैप्सूल को लें।